बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, दोनों सदनें चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन व्यवधान इस तरीके से है कि जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जा रहे हैं। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी है। नीरज जी, आखिर ये व्यवधान क्यों उत्पन्न किया जा रहा है, जरा ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धि है नहीं, हमारी उपलब्धि वो सुनना नहीं चाहते हैं। 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आप कहीं देख रहे हैं, कहीं है? अब हम 2 लाख रुपया देंगे जातिगत जनगणना के बाद, जो भी समाज के सारे तबके के हैं, तो लोग तो पूछेगा कि 15 लाख का क्या हुआ। लोग यह पूछ रहा है कि 1,20,000 तो नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया, उसमें आपने 51,000 दिया, उसमें 133 बिहारी है, तो स्वाभाविक है सवाल तो उनके कोर्ट में दरपेश है। तो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गले का फांस बन गया है, तो अब भाजपा मुद्दे को भटकाती है। अच्छा नीरज जी, एक जो कल सीएम जब अपने स्पीच दे रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने जिस तरीके से बातें कही, उन्होंने एक बात कही कि इनको सीएम बनाने मेरी मुक्ता थी, जो उनका संदर्भ जीतनराम मांझी जी को लेकर था, उस शब्द को आप किस नज़र से देखते हैं? सीएम ने आखिर वो बातें क्यों कही? किसी भी व्यक्ति को जो आदमी आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया, नीतीश कुमार तो वह शख्सियत है ना जो जाति की राजनीति नहीं किया, उनके जाति की आबादी घट गई, और उन्होंने दलितों का आरक्षण बढ़ा दिया, दलितों के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो मन में पीड़ा होती है किसी भी व्यक्ति को, और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब ये सेशन नहीं चल पाया, ये संभवतः अंतिम सेशन था इस साल का, तो जो चीज़ें जो बाकी रह गई, अब तो वो जनता के हित की बात तो कोई फिर अगले सेशन में ही कर पाएगा। क्या लेना देना है, हम मोदी शाह का नौकरी करता है सब, मोदी शाह का नौकरी, मोर घाची है ना प्रधानमंत्री, उनकी नौकरी करता है सब, झूठ बोलता है, बता दिए तो कह दिया कि तेली है बनिया है, बताइए तो वो मोर घाची है, उनके बारे में कह दिया कि ये है। अमित शाह क्या है, जैन है, क्या प्रचार करता है सब, अरे सब जात पात फैला कर करके समाज के अंदर जहर घोलता है केवल। तो ये थे नीरज कुमार सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से कई मुद्दों को सामने रखा, और साथ साथ ये भी कहा कि जनता के मुद्दों से इन लोगों कोई मतलब नहीं है, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। सुहित कुमार, पटना, हिंदी खबर।